G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है। अगला सम्मेलन ब्राजील में होने वाला है। दूसरे G20 के सफल आयोजन पर भारत की जमकर तारीफ की जाए। सिर्फ एक देश ने नहीं, सभी देश जो है वो लगातार तारीफ कर रहे हैं। भारत ने जिस तरीके से G20 का आयोजन किया, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ये समिट मील का पत्थर साबित हुआ है जिसने ग्लोबल साउथ से G20 को एकजुट किया। लावरोव ने कहा कि भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जो बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। तो G20 समिट का समापन हुआ, रूस ने जमकर तारीफ की है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि देखिए G20 समिट जो हिंदुस्तान में हुआ है, राजधानी दिल्ली में हुआ है, वो मील का पत्थर साबित होगा। ग्लोबल साउथ को एक बहुत बड़ी उपलब्धि रूस की तरफ से बताया गया। दुनिया में इस वक्त भारत का डंका बज रहा है, भारत के हर फैसले को दुनिया भर का समर्थन मिल रहा है। G20 समिट के जरिए भारत की वैश्विक ताकत तो बढ़ी ही है, सनातन की ताकत को भी बल मिल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस वक्त पूरी तरह से सनातनी रंग में रंगे हुए नजर आए, और ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन भी किए हैं। I'm a proud Hindu. Jai Sri Ram. इस वक्त पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले भारत पर पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है। दुनिया भर से भारत आए राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखे जा रहे हर प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दुनिया के हर देश तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी तस्वीर है जिसने भारत को और भी ज्यादा गौरवान्वित कर दिया है, और इस तस्वीर के मुख्य केंद्र है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। I'm a proud Hindu कहने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आज दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत की। ऋषि सुनक अकेले अक्षरधाम नहीं पहुंचे थे, बल्कि उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी उनके साथ मौजूद थी। हालांकि इस बात का संकेत ऋषि सुनक पहले ही एक इंटरव्यू में दे चुके थे।